हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्डबोर्ड कैसे कट करना है, किस शेप में कट करना है, उसके साइज में आपको बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में हमने जिस तरीके से प्लानिंग की थी, उस तरीके से हम उस हिसाब से हम करने वाले हैं आज कार्डबोर्ड की कटिंग। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 36x24 इंचेस का कार्डबोर्ड लेना है, और उसके बाद जिस साइड पर 24 इंचेस है उसमें सेंटर मार्क करना है, जो कि 12 इंचेस के ऊपर आएगा। तो आपको स्केल या फिर टेप लेके 6 इंचेस के ऊपर मार्क करना है, मतलब 6 इंचेस जिधर लिखा है वो आपको 12 इंचेस के मार्क के ऊपर रखना है, और 0 और 12 इंचेस के ऊपर मार्क करना है। मतलब हमने जो 24 इंचेस है उसको डिवाइड किया है 6 × 6 × 6, मतलब 6 + 6 + 6, मतलब एक साइड में आपको 6 इंचेस रखना है, बीच में 12 इंचेस और एक साइड में 6 इंचेस, कुछ इस तरीके से। और जिस साइड पे 36 इंचेस है उस साइड पे आपको मार्किंग लेना है 16 इंचेस के ऊपर। तो 16 इंचेस से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जो आपने 24 इंचेस के इधर 6 इंचेस छोड़ के मार्क किया है उसको ज्वाइन करना है, कुछ इस तरीके से। कर्व बनाना है, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, ताकि डोम का शेप आए। सेम आपको दूसरे साइड में करना है, जहाँ पे आपका 16 इंचेस का मार्क है वहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है 6 इंचेस फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और उसको कर्व में कलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से। इसको जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी हिसाब से आप बनाओ। अगर आप स्ट्रेट बनाओगे तो शेप नहीं आएगा डोम का परफेक्ट, कर्व ही रखना है, और साइड के पार्ट हम कट कर देंगे। आप सीजर से भी कट कर सकते हैं या फिर कटर यूज़ कर सकते हैं। मैं सीजर से कट करता हूँ क्योंकि मुझे वो आसान लगता है। अभी सेम आपको वैसे ही आपको 4 पीस बनाने हैं, तो एक पीस ऐसे लेके सिंपल आपको फिर से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। सेम आपको सिर्फ मार्कर से मार्किंग करना है उसके साइड में रख के, और फिर कट करके लेना है। वैसे आपको और दो बनाने हैं, टोटल 4 साइड्स बनानी है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देखो, क्योंकि अगर उसका शेप कर्व में अगर ठीक से नहीं आया तो पूरा आपका डोम का शेप बिगड़ जाएगा। तो जो मार्किंग आपको बताई थी पहले उसे आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से कट करना पड़ेगा। मैं बड़ा बनाने वाला हूँ मंदिर, इसलिए मैं इंचेस में ले रहा हूँ। अगर आपको छोटा बनाना है तो सेम मेजरमेंट को आप डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो, या फिर सेंटीमीटर में ले सकते हो, तो वो मंदिर आपका टेम्पल जो है वो छोटा बन जाएगा। तो सेम आपको पीस कट करके लेने, 4 पीसेस, 4, 3, 2 एंड 1। अभी इसको चिपकाने के लिए ग्लू गन लगेगी, हॉट ग्लू गन, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, या फिर आप आपके नज़दीक के हार्डवेयर शॉप से ले सकते हो। हॉट ग्लू गन आपको सेफली यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो गर्म रहेगी, आपको इंजरी हो सकती है। पर इसका फ़ायदा ये है कि ये अगर एक बार चिपक गया तो जल्दी निकलेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। कुछ इस तरीके से आपको दोनों भी साइड चिपका के लेना है डोम के, और ऐसे चिपका चिपका के 4 साइड्स आपको एक साथ करनी है। और ऊपर का पोर्शन जब आप चिपकाओगे, जो कर्व है उसको चिपकाते वक्त आपको कर्व ही करना है, मतलब अंदर की साइड पुश करना है, नीचे की साइड ऊपर उठानी है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से शेप मिलेगा। तो चारों साइड चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से डोम, जो पीछे वाला हिस्सा है, मतलब अपना टेम्पल का हाफ पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा। ये बेस है, और हम बाहर के साइड से भी ग्लू गन यूज़ करके चिपका रहे ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने। जितना आपको लगे ग्लू गन यूज़ करना है उससे ज़्यादा ही यूज़ करो, क्योंकि
अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो ही टिकेगा, नहीं तो टूट के बिखर जाएगा। जो जो पोर्शन आपको लगे वीक है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा ग्लू यूज़ कर सकते हो और ग्लू गन से आप चिपका सकते हो। एक बार ड्राई होने के बाद ये पूरे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको टॉप के लिए आपको 14x14 इंचेस का स्क्वायर कट करके लेना है, 14 और 14 इंचेस। अगर आप सेंटीमीटर में बनाने वाले हो तो सेंटीमीटर पर भी कट करके ले सकते हो। 14x14 इंचेस कट करने के बाद वो स्क्वायर हम उसके ऊपर लगा देंगे और जिसके ऊपर हम बाद में गैलरी बना के लगा देंगे। फोर्टीन बाय फोर्टीन इंचेस का जो स्क्वायर हमने कट किया उसको हम कुछ इस तरीके से ऊपर चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद हमारा डोम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा बेसिक शेप है और धीरे धीरे हम इसमें अपग्रेड करते जाएंगे। तो यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा जो पीछे साइड में हम टेम्पल का डोम बनाने वाला है तो उसका हमने शेप कट करके लिया है और उसका बेस बना लिया है। उसके बाद में हम उसके ऊपर और दो लेयर ऐड करेंगे जिससे वो डोम 3D में दिखेगा। तो अगले वीडियो में हम डोम के आगे का जो पोर्शन है फ्लैट वाला वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।